Hey, what's up guys? This is Certified Fitness Coach Tanveer and welcome back to HealthXP YouTube channel. I hope आपको last video बहुत ज़्यादा informative लगा हो और बहुत ज़्यादा आपको उसमें help हुई हो. अगर जिसने नहीं देखा आप जाके check कर सकते हो, हमारे description में link है. So आज का जो topic है, आज का जो episode है वो रहने वाला है BCAA. आप सब ने ये नाम सुना होगा, full form है Branched-Chain-Amino-Acids. तो हम बताने वाले हैं what is BCAA, को help कब करता है, उसकी dosage क्या होनी चाहिए, उसके मेरिट्स क्या है, सब के बारे में. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड. इसके अंदर तीन अमीनो होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और एल्वलाइन. आप पूछ रहे होंगे यार ये चीज है क्या. ये है एक असेंशियल अमीनो एसिड्स. असेंशियल अमीनो एसिड्स होता क्या है? असेंशियल अमीनो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, आपको या तो खाने से लेना है या तो फिर सप्लीमेंट से. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम दोज एसिड्स. आपके मसल ग्रोथ को वो प्रमोट करता है और आपके मसल्स के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स है वो है एल-ल्यूसीन. ल्यूसीन काफी ज्यादा आपको प्रमोट करता है आपके मसल ग्रोथ में. देयर इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक इन BCAA के अगर आपके सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स का 30-40% निकाला जाए तो वो ये तीन अमीनो एसिड्स ही होते हैं. इट मींस कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए. अगर आपके ओवरऑल मसल का आप निकालोगे अमीनो एसिड्स तो इट इज अराउंड 14-18%. राइट, इट इज़ वेरी बिग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अभी आप कोई भी BCAA खरीदने जा रहे हो, आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है, इट्स अबाउट द रेशियो ऑफ दिस थ्री अमीनो एसिड्स. व्हाट इज़ द रेशियो? आपका रेशियो का मतलब क्या होता है कि वो कंटेंट कितना मिल रहा है आपको. एल-ल्यूसीन कितना मिल रहा है आपको, एल-वलाइन कितना मिल रहा है और आपको एल-आइसोल्यूसीन कितना मिल रहा है. तो HealthXP के दो सीरीज़ है, एक है प्रीमियम सीरीज और एक है असेंशियल सीरीज. अगर हम इसके रेशियो की बात करें, इसका रेशियो है 3:1:2. मतलब आपको 3000 mg ल्यूसीन मिल रहा है आपको, 1000 mg और 2000 mg बाकी के दो अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं. इसका जो रेशियो है आपका 2:1:1. सेकेंड थिंग है वो सर्विंग. इसमें आपको सर्विंग मिल रही है 30, इसमें आपको सर्विंग मिल रही है 62. तो ये दो फर्क है. तो आप ये दो चीज़ समझ लोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए कि कैसे हम BCAA बाय करें और कौन सा बाय करें. अभी मैं बात करूँ आपका डोसेज को कब लेना है, कैसे लेना है. तो BCAA मोस्ट प्रोबेबली लोग इंट्रा वर्कआउट लेना पसंद करते हैं बिकॉज इट हैज़ वेरी कूल फ्लेवर्स. अगर मैं HealthXP की बात करूँ, इट हैज़ मैंगो डिलाइट, ऑरेंज, ग्रीन एप्पल, वाटर मेलन क्रश. दे हैव वेरी कूल फ्लेवर्स, वेरी टेस्टी फ्लेवर्स. अगर प्राइसिंग की बात करें, प्रीमियम सीरीज का जो एनर्जी BCAA है उसका MRP है 3400 और जो असेंशियल सीरीज का अल्ट्रा प्रीमियम BCAA है वो 1850 रुपये. तो आपको ये ऑफर प्राइस में 2000 में आ जाएगा तकरीबन और ये आपको ऑफर प्राइस में 1000 रुपीज़ में आ जाएगा. तो प्राइस इज बेस्ट, कंटेंट इज बेस्ट, फ्लेवर तो आप जब यूज़ करोगे तब आपको मज़ा ही आ जाएगा या फिर आप टेस्ट करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा. तो अगर आपको ये BCAA बाय करने हैं तो प्लीज़ गो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे वेबसाइट की आपको लिंक मिल जाएंगी या फिर अगर आपके सिटी में उसके HealthXP की फ्रेंचाइजी स्टोर है तो आप स्टोर से भी जाके खरीद सकते हो. तो आज का जो टॉपिक था BCAA के बारे में, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. आप अब ये चूज कर सकते हो कि कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए राइट है. आपको मैंने बेसिस बता दिए जिसके ऊपर आपको चूज करना है. सो अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन, कम बैक टू HealthXP यूट्यूब चैनल. मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन दबा दें, लाइक, शेयर, बाय जिनियन, स्टे फिट.